हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इससे पहले हमने देख लिया प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि प्री डिफाइंड जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, डिराइव डेटा टाइप क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, इसमें फोर टाइप के हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है, एनम होता है, क्लास होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और इसको हम क्लास को किसमें पढ़ेंगे, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्लास को देखेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं, जो यूजर क्या करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा टाइप को डिफाइन करता है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, जो कि हमारे जैसे प्रिमिटिव होते हैं, जो पहले से ही डिफाइन होते हैं। सिर्फ हमें उन्हें क्या करनी होती है, इनपुट लेना होता है, यानी उन्हें इंक्लूड करने की आवश्यकता होती है। और डिराइव डेटा टाइप क्या होते हैं, जो कि इनबिल्ट फंक्शन से मिलकर के, यानी कि जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उनसे मिलकर के जो हमारे बनते हैं, वो हमारे डिराइव डेटा टाइप होते हैं। लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सभी से क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि इसमें यूजर जो होता है अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करता है, यहाँ पर डेटा टाइप को डिफाइन करता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर, यानी कि यूजर डिफाइंड का जो फर्स्ट टाइप होता है स्ट्रक्चर। उसके बाद देखेंगे कि यूनियन क्या होता है, एनम क्या होता है, क्लास क्या होता है, एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों, अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।